सादर प्रणाम, मैं नीरजा चौधरी इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये टॉपिक जो आज हमने लिया है वो क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, हिंदी में जिसे मैं कहूँ जीवों में जनन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन टू से सिंपल टर्मिनोलॉजी लाइक लाइफ स्पैन यानी कि जीवन अवधि क्या होती है, फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज हेयर, नंबर 1 इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दो तरीके की जो जनन से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं उनको इसमें पढ़ेंगे। और लिटिल बिट टोटल चैप्टर तो कम्प्लीट नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स को आज इसमें लेने वाले हैं। शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि जनन होता क्या है या जनन कब होता है या किस चीज पर डिपेंड करता है जनन, मतलब रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन के जो मोड्स होते हैं, जैसे हर एनिमल को अभी हालांकि हमने डिटेल नहीं किया, लेकिन अगर जनरली हम जानते ही हैं जितने भी एनिमल्स के, जितने भी बर्ड्स या जितने भी क्रिएचर के बारे में आप जानते हैं, तो सब में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। वो मोड को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन डिपेंड किस पर करता है, कि अलग अलग तरीके के जो ये प्रोसेसेस फॉलो होती हैं ऑर्गेनिज्म में। तो रिप्रोडक्शन फॉलो करता है वहां का हैबिटेट कैसा है, साथ ही साथ उस क्रिएचर की यानी कि उस इंडिविजुअल की, उस ऑर्गेनिज्म की जो मोर्फोलॉजी है या जो उसकी फिजियोलॉजी है, उस फिजियोलॉजी पे बेस्ड होता है, यानी कि किस हैबिटेट में वो रह रहा है और साथ ही साथ उसकी संरचना कैसी है, इस बात पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ऐड होता है कि रिप्रोडक्शन इतना जरूरी क्यों होता है, ऐसी क्या जरूरत है कि हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और हम हर ऑर्गेनिज्म के एक मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है। एक्चुअली रिप्रोडक्शन इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि हर स्पीशीज की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने जैसे स्पीशीज को जिंदा रखे, यानी अपने जैसे स्पीशीज को वो बनाए रखे। तो एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन बनाने के लिए या इंडिविजुअल की अपनी प्रजाति को बचाने के लिए जो एक कोशिश होती है या एक उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, वही रिप्रोडक्शन कही जाती है। और इस कैपेबिलिटी में वो इतना ज्यादा सक्षम होता है कि वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है जैसे कि जो डाइवर्सिटी है या जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है या स्पीसीज का कंजर्वेशन है, ये सारी चीजें वहां पर हो सके, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है प्रजातियों के संरक्षण के लिए, जैव के जो भी विकास हो रहा है उसके लिए, जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसके लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का भी अगर हम एग्जांपल पिक करते हैं तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगी, या एनिमल इतने कैपेबल नहीं होंगे कि रिप्रोडक्शन कर सके, तो वो स्पीशीज एक टाइम के बाद एंडेंजर्ड स्पीशीज में जाएगी पहले, तो फिर उसके बाद हिस्टोरिक स्पीशीज में चले जाएगी। मतलब हम पढ़ेंगे कि कभी ऐसी स्पीशीज हुआ करती थी, तो इसलिए टेंडेंसी है ऑर्गेनिज्म की अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है कि कौन कौन से मोड हैं जो एनिमल्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब उससे भी पहले यहाँ पर एक और टर्म को डिस्कस करते हैं, वो है हमारा जीवन अवधि, लाइफ स्पैन जिसको बोला जाता है। लाइफ स्पैन क्या होता है? एक्चुअली कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब भी उसका जन्म होता है तो उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है, या उसकी बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, ये लाइफ स्पैन कहा जाता है। लाइफ स्पैन ठीक है, जीवन अवधि जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो कौन सी स्थिति हुई, जन्म से लेकर जो उसके मृत्यु तक की अवधि है वो कही जाती है लाइफ स्पैन। हर किसी में, अब देखिए इसमें मृत्यु तक की अवधि कौन सी हुई, यानी कि डेथ तक की जो टाइमिंग हुई वो कौन सी हुई। नेचुरल डेथ की बात की जा रही है, एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं हो रही है। नेचुरल डेथ जैसे मान लीजिए पैरट है 140 ईयर्स होता है, बनियन है वो 1000 ईयर्स लमसम होता है, तो बहुत सारे जैसे डॉग है या क्रो है तो 14 इयर्स लमसम होता है, 14 to 15 इयर्स।
तो ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग लाइफ स्पेनिंग होती है, यानी कि उनकी जीवन अवधि अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है सारे जीव सिर्फ 20 साल ही जिएंगे, सारे जीव सिर्फ 100 साल ही जिएंगे, ऐसा नहीं है। हर स्पीशीज की लाइफ स्पेनिंग सेपरेटेड होती है। जैसे बर्ड में एग्जांपल लिया अभी हमने पैरट का, उधर हमने एग्जांपल लिया क्रो का, और साथ ही साथ हमने एग्जांपल लिया डॉग का, ठीक है। तो ये क्या होती है, लाइफ स्पेनिंग हुई जो बर्थ से लेकर डेथ तक की, नेचुरल डेथ तक की हम बात कर रहे हैं, वहां तक की होगी। देखिए अगर मान लीजिए, तो यहां पर मान लीजिए किसी जीव की, हम कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, फिर धीरे 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 बहुत सारे जो स्पीशीज आई ह्यूमन की, होमोसेपियंस की, होमो की, तो वो बहुत सारी स्पीशीज थी, जैसे होमो नियंडरथेलेस और होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बहुत अलग अलग स्पीशीज थी। एक्चुअली जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, उस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस होते चले गए, और ये चेंजेस सडन नहीं दिखाई दिए थे, ये चेंजेस ऐसे थे जो सैकड़ों हजारों वर्षों के अंतर पर वहां पर दिखाई दिए थे। क्लियर हो गया। अब सोचिए अगर कोई जीव जन्म भी ले रहा है और उसकी मृत्यु भी हो रही है, कोई इंडिविजुअल, ये तो सर्टेन है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। अगर यहाँ पर डेथ नहीं हो रही है तो वो स्पीशीज बची हुई कैसे है? वो स्पीशीज इसलिए बची हुई है क्योंकि वो स्पीशीज कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने में, तो उसकी रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वही उस स्पीशीज को जीवित रखने में अभी तक सक्षम है, यानी कि उसकी वजह से यहाँ पर जीव बचा हुआ है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं जिसमें हम रोल ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन का रोल क्या है या रिप्रोडक्शन की भूमिका क्या है? देखिए शुरू में ही डिस्कस किया इस चीज को, रिप्रोडक्शन का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी है, यानी कि प्रजातियों की जो निरंतरता है, तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, स्पीशीज कंटिन्यूटी। क्लियर। स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी है कि स्पीशीज में रिप्रोडक्शन हो, यानी कि कोई इंडिविजुअल अपने प्रजाति के संरक्षण के लिए काम करे कि वो अपने जैसे ही संतानों को उत्पन्न कर ले। दूसरा यहाँ पर, पहला तो स्पीशीज कंटिन्यूटी के अंतर्गत आपका ये हो गया, दूसरा आपका क्या होगा कि हमने शुरू में बोला कि इवोल्यूशन होना है, विकास होना है, तो उस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि स्पीशीज में रिप्रोडक्शन हो। अगर स्पीशीज नष्ट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो वहां पर हम विकास को नहीं देख पाएंगे, हम ये अंतर नहीं कर पाएंगे कि पहले आज से 500 साल पहले ये स्पीशीज ऐसी थी, या 1000 साल पहले स्पीशीज ऐसी थी, या कुछ वर्षों पहले स्पीशीज ऐसी थी और आज ऐसी है। अगर स्पीशीज ही नष्ट हो गई है तो हम उसके बारे में स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है रिप्रोडक्शन होगा, तो जिससे यहाँ पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी होगा, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हम कंपैरेटिवली स्टडी भी कर पाएंगे कि इतने टाइम में उन स्पीशीज में क्या क्या चेंजेस हुए। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो, यानी कि जैव विकास हो, इसके लिए जरूरी है कि स्पीशीज में यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता रहे। नेक्स्ट इसमें है जो हमारी पारिस्थितिकी है, उसमें इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बना रहेगा, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम या बैलेंस जिसको हम कह सकते हैं, पारिस्थितिकी सामने जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, हमारे जो पूरे का पूरा इकोसिस्टम है उस पूरे इकोसिस्टम में एक इक्विलिब्रियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं बना होगा, सपोज प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही करते चले जाएंगे, कंज्यूमर कंज्यूम ही करते चले जाएंगे, और डीकम्पोजर डीकम्पोज ही करते चले जाएंगे, लेकिन अगर इनमें से हमने किसी एक कड़ी को ब्रेक कर दिया और रोक दिया, उसके वर्क नहीं करने दिए, या ये समझ लीजिए जितनी प्रोड्यूसर स्पीशीज है सारे प्रोड्यूसर स्पीशीज को हमने रोक दिया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक्चुअली ऐसा होगा कि जो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है या इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पौधे अपने भोजन को भी नहीं बना पा रहे हैं, और साथ ही साथ अन्य जीवों के लिए, यानी कि जो हर्बीवोर्स हैं उनके लिए भी वो फूड प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। क्लियर हो गया। अगर वही नहीं है तो
तो हर्बीवोर्स भी नहीं रहेंगे, जब हर्बीवोर्स नहीं रहेंगे तो कार्निवोर्स नहीं रहेंगे, और जब ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो ओमनिवोर्स तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम इम्बेलेंस ना हो, इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन होता रहे, और जो इन्वायरमेंट में या इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस यहाँ पर मेंटेन रहे, इसलिए ये जरूरी है। फिर एक इसमें फोर्थ पॉइंट और आता है, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो। जैसे प्लांट अपने जैसी स्पीशीज नहीं बनाएगा, सपोज हम स्पिनेच का एग्जांपल ले ले, पालक का उदाहरण ले लेते हैं, अगर पालक को हम अगले बार ना उगा पाए और ऐसा ऑल ओवर वर्ल्ड में हो जाए तो क्या होगा, जो फूड की रिक्वायरमेंट है या जो एक सिक्योरिटी है ऑन स्पेशल कंटेंट, नाम लूं अगर आयरन को, हम कहते हैं आयरन बहुत ज्यादा होता है पालक में, इसलिए उसको खाना चाहिए जिससे कि ब्लड मेंटेन होता है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये सीक्वेंस यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होगी तो ये सिक्योरिटी की वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड नहीं होगा और ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, और वो स्पीशीज यहीं पर स्टॉपिंग हो जाएगी, और वो जब स्पीशीज नहीं रही तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा। अगली बात इसमें हम करें, जो हमने टॉपिक लेना था वो था हमारा कि जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप है, यानी कि दो प्रकार की रिप्रोडक्शन है, अगर टाइप्स के बेस पर हम कहें, फर्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन, हिंदी में इसको बोला जाता है अलैंगिक जनन। जो फिलहाल टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही टॉपिक है, अलैंगिक जनन। यहाँ रिप्रोडक्शन मैंने लिखा नहीं है, आप देख लीजिएगा उसको, अलैंगिक जनन। और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है लैंगिक जनन। एक वन लाइनर डिफरेंस दोनों में क्या है, वन लाइनर डिफरेंस दोनों में ये है, जो अलैंगिक जनन होता है उस अलैंगिक जनन में सिंगल इंडिविजुअल चाहिए होता है, यानी कि एक ही जीव में वो क्षमता होती है कि वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर सके, यानी कि यहाँ केवल एक ही जीव पर्याप्त है अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने के लिए। रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता होती है, दो अलग अलग जीव यानी कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर चाहिए, यानी एक ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए, मेल, और दूसरा कैसा होना चाहिए, फीमेल। अगर ये कंडीशन नहीं है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल एनिमल की जरूरत है, सिंगल ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं ये वाला टॉपिक यहीं पर स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे जो अलग अलग टाइप है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसको। तो फिलहाल आज के टॉपिक में यहीं पर स्टॉप करती हूँ। अगले टॉपिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर जितने भी मोड हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे, और लगातार आप चैनल के साथ बने रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।